एक जगह पानी की वर्षा हो रही थी खूब मूसलाधार। कुछ घड़े रखे हुए थे, कुछ घड़े औंधे पड़े थे और कुछ घड़ों के पेंदा में छेदा था। कुछ घड़े ऐसे थे जिसमें कंकड़ और पत्थर भरा हुआ था और कुछ घड़े ऐसे हैं जो कि घड़े खाली हैं वो, और ऊपर की तरफ मुकुश का है। और पानी की जब खूब वर्षा होती है तो पानी कौन घड़ा में टिकेगा, समझ गए होंगे। जो घड़ा औंधा पड़ा है उसमें एक बूंद भी पानी जा नहीं सकता। जिस घड़ा के पेंदा में छेदा है वहाँ भी पानी टिक नहीं सकता क्योंकि पानी सब चू जाएगा। जिस घड़े में कंकड़ और पत्थर भरा हुआ है उसमें भी पानी नहीं जगह नहीं तो टिकेगा कैसे। जो घड़ा खाली है मुख ऊपर की तरफ है ठीक है, वो घड़ा पानी से लबालब भर जाएगा। तद्वत यहाँ ज्ञान की वर्षा खूब हो रही है और आप लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अगर आपका लक्ष्य कहीं घर की तरफ है या कहीं भी है तो जानो कि एक घड़ा औंधा पड़ा हुआ, एक भी बूंद पानी नहीं जा सकता, एक भी ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता। अगर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते चले जा रहे हैं, केवल आप उपस्थिति यहाँ पर दे रहे हैं बैठ करके, संत महात्मा उपस्थिति दे रहे हैं, आए हैं सुनाने के लिए तो आप सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते चले जाते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप कुछ मान्यता को लेकर बैठे हैं, ये तो कबीरपंथी हैं, ये हमारे मत के नहीं, क्योंकि कबीरपंथी नास्तिक होते हैं क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते। आप तथाकथित किसी ईश्वर को मानते हैं तो आप आस्तिक हैं और कबीरपंथी जो सत्य को मानते हैं वे नास्तिक हैं। लेकिन मानने में भी अंतर होता है, सबकी मान्यताओं में भिन्नता होती है। अपने अपने अनुरूप जो है ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, देवी देवता खुदा गाड़ को भी मानते हैं, हम लोग भी तो मानते हैं। कबीर साहब ने कहा कि रहो सवारे राम बिचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो, रहो संभाल करके राम का विचार करके संभाल करके रहो, मैं पुकार करके कहता हूँ राम का तो क्या। कहते कबीरपंथी लोग राम नहीं मानते, कल मैंने जो चर्चा की तो चर्चा तो पूरी नहीं कर पाया, थोड़ी सी चर्चा किए थे कि 45 वर्ष पूर्व मैं छत्तीसगढ़ में था, एक व्यक्ति यानी कुछ व्यक्तियों ने कहा कबीरपंथी नास्तिक होते कुछ नहीं मानते, हमने कहा भाई हम मानते हैं कुछ, लेकिन हमें हमारे पास क्या वो मानते हैं, हम क्या मानते हैं, क्योंकि सबकी मान्यताओं में भिन्नता है। कुछ लोग आए तो हमने पूछा कि आप किस राम को मानते हैं, राम के शरीर को राम मानते हो कि उनके आत्मा को राम मानते हो कि उनके चरित्र को राम मानते हो, लेकिन कभी सत्संग तो किया नहीं। हमने कहा कबीर साहब के यानी अगर राम के शरीर को राम मानते हो तो शरीर राम के हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी अयोध्या में, क्योंकि सब जल समाधि ले लिए थे, हजारों वर्ष बीत गए तो उनकी हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी, तो आपको राम नहीं मिल सकते। अगर आत्मा को राम मानते हो जो सबके अंदर रमा हुआ है उसको मानते हो तो हम लोग भी मानते हैं। रामायण में आया, रामायण को पढ़ते हैं लोग, आपस में जब लोग मिलते हैं कहते हैं जय श्री राम, जय जय राम, राम राम। रामायण के पहले क्या कहा जाता था, उस समय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम नहीं चलता था। शिष्टाचार बस कोई कहता है साहेब बंदगी, नमो नारायण, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इत्यादि कह लेते हैं, शिष्टाचार बस कुछ कहा जाता है। उस समय क्या होता था, अयोध्या कांड में आया है, जब राम को युवराज बनाने के लिए विचार किया दशरथ जी ने तो सभी लोगों को बुलाते हैं, तब सब लोग आते हैं, तो पहले नमस्कार करते शिष्टाचार बस, कहे जय जीव शीश तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। सभी लोग आते हैं और कहते हैं जय जीव कह करके प्रणाम करते हैं। राजा मंगलित वचन सुनाते हैं कल राम को युवराज बनाया जाएगा। देखो जय जीव यहाँ पर आए। जब दशरथ जी को भवन में थे मंत्री पता लगाने के लिए जाता है तो कह जय जीव बैठ से नाई देख भूपगत गयो सुखाई, वहाँ जय जीव आए, मंत्री जय जीव कह करके राम को दशरथ जी को प्रणाम करता है। जब राम को जंगल पहुंचाने जाता है मंत्री लौट करके आता है तो राम के विरह में दशरथ जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, तो देख सुमंत जय जीव कह किन्हो दंड प्रणाम, सुनत उठो व्याकुल निरपद कहा सुमंत कह रहा। मंत्री जय जीव करके कह करके प्रणाम करता है, तो पहले क्या चलता था जय जीव रामांते योगनो स्मरणत रामा, योगी जन जिसके विषय में रमण करते हैं उसको कहते हैं राम। संत लोग किस में रमण करते हैं, स्व में, अपने आप में, आत्मा में रमण करते हैं। रमे निरंतर आत्मा सवघट आठो याम, याही ते संतन धरा राम तास का नाम,
जो घर सबके घट में निरंतर रमण करता है, रमने के नाते उसका नाम पड़ा राम। राम ऐसा पवित्र नाम दशरथ जी ने सुना था संतों के द्वारा, तो अपने प्रिय बेटे का नाम रखा था राम। अपने बेटे का नाम सब लोग अच्छा रखते हैं, क्या कोई अपने बेटे का नाम रावण या कंस भी रखता है? रावण और कंस की फैक्ट्री बंद हो गई। अपनी बेटी का नाम कोई कैकेयी या मंत्रा भी नहीं रखता है, अच्छा नाम रखते हैं ना। मंत्रा और कैकेयी की भी फैक्ट्री बंद हो गई। सुलोचना, सीता, गार्गी, क्या अच्छा अच्छा नाम रखते हैं। लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न और क्या क्या अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं। तो दशरथ जी अपने प्रिय बेटे का नाम रखा था राम, और राम की ख्याति को लोगों ने बढ़ा दिया, तो उनको लोग भगवान भी बना दिए। तो वो एक दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी थे, और वो कौन सा राम है जिसको कवि साहब मानते हैं, जिसको संत गुर्जर पहले मानते थे, वो राम रमा हुआ है। और वो राम जो आत्मा राम है, राम में भी था, दशरथ में भी था, रावण में भी था, कंस में भी था, मंथरा और कैकेयी में भी राम था। वो राम कौन, जिसको आत्मा कहते हैं, जीव कहें, सोल कहें, रूह कहें, चेतन कहें, आप किस शब्द में कह लीजिए। तो वो राम सबके अंदर में है, और कबीर साहब इस राम को कहा, हृदय बसे ते राम न जाना, हृदय में जो बसा हुआ है राम उसको नहीं जानते हैं। तो कहें कबीर खोजेस माना, वो कहीं बाहर में खोजता है। कितने लोग कहते हैं राम कणकण में है, लेकिन ये सब विवेक सम्मत बात नहीं है। तो वो राम कबीरपंथी राम को मानते हैं, ये आत्मा राम को मानते हैं। कबीरपंथी के अक्ष अगर पूछा तो कहा जाता है, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। मात श्री रामचंद्र जी सोकर के उठते हैं, माता और पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। मातृ देव भो, पितृ देव भो, आचार्य देव भो। माता देवी है, पिता देवता है, आचार्य देवता है। तो ये माता पिता देवी और देवता है। लेकिन हम लोगों का विवेक नहीं है, विवेक मरा हुआ है, तो मूर्त के सामने कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें तुम माता हो, तुम पिता हो, लेकिन जिस माता ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया, उसको माता पिता नहीं कह पाते। एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि बाबा जी, हिंदू समाज में माता पूजनीय क्यों कही गई है, माता की पूजा होती है क्यों कहा गया। कहा अच्छा, कल इसका उत्तर देंगे। कहा एक तो पत्थर पड़ा हुआ था 5 किलो का उसका उठा लाओ। उठा लाया, कहा कपड़े में बांध कर पेट में बांध लो, और कल बांधे बांधे आना, तब मैं उत्तर दूंगा कि माता पूजनीय क्यों कही जाती है। गुरुजी की बात को मान के पत्थर को उठा लाया और पेट में बांध दिया कपड़े में। दूसरे दिन आया, बहुत परेशान हुआ, कहा हमारा जी जल्दी आदेश दीजिए, पत्थर को खोल करके फेंको। कहा अच्छा ठीक है, पत्थर खोल दो। कहा अच्छा ये बताओ, तुम जो पत्थर को पेट में जब बांधा कपड़े में रख करके, कैसे लगा? कहा हमारा बहुत परेशानी हुई, परेशान हो गया, लेकिन आपका आदेश पालन किया इसलिए पत्थर बांध करके आया हूँ। तो अच्छा खोल दो। कहा देखो, माता 9 महीना घर में बच्चे को रखती है, फिर जन्म देती है, फिर टट्टी पेशाब साफ करती है, पालन पोषण करती है। माता का कितना बड़ा उपकार है। वो बात समझ गया, आप लोग भी समझ गए होंगे। अब जिस माता की कोई लागत नहीं, सरस्वती माता की क्या लागत है, दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता की क्या लागत है, ये माता का कितना बड़ा, कितनी बड़ी लागत है। अब माता के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ पाते, तो वो माता जी पिता, जो वास्तविकता है, पिता ने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, धन का मालिक बना दिया, तो क्या माता पिता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर पाते हो? विवेक नहीं है। तो जिसका कोई लगाव नहीं, कोई लागत नहीं है, उसका तो हम प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, श्वसन क्रिया उसमें नहीं है। और जो माता पिता की श्वसन क्रिया है, उनके सामने अगर अगरबत्ती जलाते हैं, हाथ जोड़ते, तो माता पिता खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और आपका फर्ज भी है। तो विवेक जगाओ, और बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, जो भीतर की आँख है वो खुलती नहीं। ये माताएँ क्या करती, पीपल की पूजा करती, बर की पूजा करती, तुलसी महारानी की पूजा करते। दिल्ली में था एक महिला थी, मैंने साधुगुरु भी सेवा करती थी, और फोटो रखे थे अलमारी में। तो पहले जब भोजन बनाती थी, तो पहले वहाँ भोजन बना करके रख देती थी फोटो के पास, तब हम लोगों को खिलाती थी। तुलसी की पत्ती भी डाल दे, हमने कहा माता जी तुलसी महारानी पूजा करते हो? कहना हाँ। हम कहा वो महारानी है, तो जब जरूरत पड़ती है तो उबाल करके पी भी जाती हो? कहे कि महाराज, जब पत्ती तोड़ती हो तो पहले प्रणाम कर लेती हो, तब मैं पत्ती तोड़ती हूँ। हमने कहा किसी का प्रणाम करो तो उसका हाथ काट लो, उंगली काट लो, उचित है क्या? अरे जब महारानी है तो उसका प्रणाम करके फिर पत्ती तोड़ती। आदमी की कैसी भूल। कबीरपंथ में भी वो नारियल फोड़ा जाता, नारियल, नारियल निरंजन की खोपड़ी है, उसको मांधी फोड़ सकता है,
अब ये बताइए कि महंत फोड़ सकता है और दूसरा नहीं फोड़ने का अधिकार है? निरंजन की खोपड़ी को आप खोपड़ी मानते हो और उसका प्रसाद बना के खा भी जाते हो, किसी की खोपड़ी को फोड़ के खा जाओगे क्या? अब निरंजन की खोपड़ी मानते हो, फोड़ के प्रसाद खाते हो, तो ये सब क्या है, तमाशा है? आज लोग समझते बूझते कुछ विवेक नहीं है। विवेक को जगाओ, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस प्रकार से विवेक करने की जरूरत है। ये संत गुरुजन यही समझाते हैं। संत गुरुजन पूज्य, ये परमात्मा है। जब आत्मा महात्मा हो जाती है तब परमात्मा हो जाती है। आत्मा गलत काम करती है दुरात्मा, पाप करती है पाप आत्मा, पुण्य करती है पुण्यात्मा, महान कार्य करती है तब महात्मा, और वही परम पवित्र हो जाएगी तो परमात्मा हो जाती है। आत्मा का परिशुद्ध रूप परमात्मा है। कोई सामने कहा कर विचार विकार परिहर तरण तान सोए, जो विचार करके विकार को जो परित्याग करता है वो तरण और ताण हो जाता है, वही सदगुरु हो जाता है। तो कहने मतलब ये संत गुरुजन परमात्मा है। भगवान किसको कहते हैं? कहते कभी प्रति भगवान नहीं मानते, भगवान भी मानते। बुद्ध को भगवान कहा गया, महावीर को भगवान कहा गया। भग्न कर दिया है जिसने अपनी बुराइयों को, भग्न कर दिया है जो अपने विकारों को, भग्न कर दिया है जो राग द्वेष को, भग्न कर दिया है पांच विषय की आसक्ति को, वो भगवान है। यानी पद है भगवान, जो अपनी बुराइयों को नष्ट कर दिया है वो भगवान है। तो संत भगवान हमारे घर आए, संत भगवान, तो ये संत गुरुजन भगवान है। कहीं और भगवान मिलेगा? कहीं कणकड़ में जर्रे जर्रे वाला खुदा कहीं मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है, तो कल्पना मात्र है। इसलिए सबके घट के अंदर विराजमान तत्व है, वो भगवत स्वरूप है, वही राम है, वही ईश्वर है, वो आत्मा ही सर्वोपरि। तो कहने मतलब यह है, उसको समझो। एक उंगली जब ऊपर उठाते हो भगवान के लिए तो तीन उंगलियां इधर कहते हैं, जरा अपनी तरफ तो देख, या अपनी तरफ देख पा रहे हो? आप अपने को भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। आज इस शक्ति को भूल करके आज जड़ पदार्थों के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये बताओ ये भगवान का अपमान कर रहे हो कि नहीं? ये देवता का अपमान कर रहे हो कि नहीं? हम माइक के सामने हाथ जोड़ें, जो हम सर्वोपरि हैं, ये आत्मा सर्वोपरि है, तो बताओ कितनी बड़ी भूल होगी? इसको ठीक से सब समझने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाने भी समय पूरा हो रहा है। एक बहू गई ससुराल में, सत्संगी परिवार की लड़की थी। लड़की और लड़का के ऊपर माता और पिता का भी प्रभाव पड़ता है। तो वो जब ससुराल में जाती है तो प्रणाम करना चाहिए सास की। सास ने कहा बेटी मेरा प्रणाम न कर, पहले माँ जी के गोड़ लाग ले। कौन माँ जी? दुर्गा माँ। दुर्गा माँ का गोड़ लगवाने ले जाती है। तो दुर्गा का जो मंदिर था बहुत विशाल मंदिर था, दो सिपाही बने हुए थे दरवाजे के ऊपर और लाठी लिए खड़े थे। बहू देख करके डरने लगी कि अम्मा देखो सिपाही लोग खड़े हैं, ये कहीं एक लाठी मार दिया तो कपार फट जाएगी और दोनों तरफ सिपाही हैं, मैं नहीं जाऊंगी, डर लगता है। सास ने कहा बेटी ये पत्थर का सिपाही, इसमें जान नहीं मुर्दा है। कहा देखो सिपाही लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और कहीं लाठी मार दिया तब क्या दशा होगी? कहा बेटी उसको पकड़, हाथ से छुई, कहा देखो ये सिपाही न हिलते न डुलते हैं, कुछ नहीं, खड़े हैं। अंदर ले जाती है। अब जैसे शेर की सवारी थी दुर्गा महारानी की, भयंकर शेर, बड़ी मूर्ति थी दुर्गा महारानी के, और उसको देख करके बहू साड़ी पकड़ के खींचती है सास की, अम्मा भाग भाग, ये शेर खड़ा हुआ अभी ये चिबा जाएगा। अरे कहा बहू रही पगली, तेरे को इतना ज्ञान नहीं, ये शेर पत्थर का है। कहा देखो बड़े बड़े दांत हैं इसके, आँख बड़ी बड़ी है, पंजा देखो कैसा है शेर का, ये खा जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी, डर लगता है। सास उसके मुख में हाथ रख देती विश्वास दिलाने के लिए कि बेटी इसमें ज्ञान नहीं है, पत्थर का है, जड़ है, मुर्दा है। फिर हलवा ले गई थी, अगरबत्ती फूल पत्ती, कहा कि देखो दुर्गा महारानी का भोग लगाओ, आज दुर्गा महारानी खुश हो जाएंगी तो आशीर्वाद देंगे, अगरबत्ती जलाओ। तो वो दुर्गा महारानी के जो मूर्ति रहे तो गोलक केवल मुखा बना हुआ था, उसके अंदर छिद्र तो था नहीं, और कान में भी छिद्र नहीं था और नाक में भी छिद्र नहीं था। तो कहा माँ ये सूंघेगी कैसे? पत्थर है, इसमें नाक में छेदा तो है नहीं, कान में भी छेदा नहीं, तो प्रार्थना कैसे सुनेगी, और मुख में छेदा नहीं तो खाएगी कैसे? अभी आपने कहा शेर जो बना हुआ था, नीचे पत्थर काट के शेर बना दिया गया, ऊपर दुर्गा की मूर्ति बना दी गई। तो नीचे वाला शेर जब नहीं खाता है, और भी बताया दरवाजे पर दो सिपाही खड़े हैं, वो कुछ नहीं हिलते डुलते बोलते चाहते हैं, ये दुर्गा माँ खाएगी कैसे, कैसे सूंघेगी कैसे, अगर जो प्रार्थना सुनेगी?
समझाया, कहा हमको धोखा देने के लिए। अगर घर में कहते तो अब वहाँ सिंदोढ़ा पूछ लेते, जाता को पूछ लेते, और यहाँ हमको धोखा देने के क्यों के लिए क्यों लाई। सास को समझाया तो सास के प्रभाव पड़ गया। अब आपको ज्ञान है क्या, जहाँ श्वसन क्रिया है तहाँ अगरबत्ती जला दो, जहाँ उनको फूल चढ़ा दो, लेकिन वहाँ फूल नहीं चढ़ाया जाता है, देवता के मंदिर फूल चढ़ाया जाता है। अयोध्या में हनुमान मंदिर है, वहाँ पर सैकड़ों मन लड्डू घी का चढ़ता है, जो भगवान हनुमान जी कभी खाते नहीं। वहाँ देव साधुओं के लिए शौचालय है, बाथरूम है, पेशाब घर है, लेकिन हनुमान जी के लिए इतना लड्डू चढ़ता है, कहीं उनके लिए शौचालय बाथरूम नहीं, आप जानते हो ना। लेकिन संत गुरुजन को उतने कहीं कुछ चढ़ा करके भेंट बंदगी नहीं कर पाते हो। जो देवता खाने पीने वाले हैं, घर के जो देवता हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हो, कैसी पूजा आपकी। आप लोग कबीरपंथी हैं और सत्संग सुनते हैं, सत्संग क्षेत्र में काफी होता रहता है, लेकिन क्या कुछ प्रभाव हुआ? प्रभाव होना चाहिए। आज से संकल्प लेकर के जाओ, माता और पिता का हम प्रणाम करेंगे। ये नारियों को ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि पति देवता है, सास देवी है, ससुर देवता है, इनका मैं प्रणाम करूंगा, उनकी आरती पूजा करूंगा। ये कोई प्रभाव पड़ा है क्या? सब कबीरपंथी बूढ़ा सकल समाज वाली टहल है, लेकिन सुनते हो, ये एक कान से सुने दूसरे कान से निकालते चले जा रहे हो, कुछ मान करके बैठे हो, तो भी बात समझ नहीं आएगी। इसलिए ध्यान दो इस बात को कि जो सुन करके सुनो उसको ले करके जाओ। अगर इसको लेकर जाते हो तो निश्चित है आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा। शब्द का प्रभाव पड़ता है, अगर आप लोग के ऊपर शब्द का प्रभाव नहीं पड़ा तो ये समझ लो कि ठीक से सत्संग सुना नहीं गया। जहर खा लेने से तत्काल मौत हो जाती है, अगर असली जहर है तो, और अगर असली जहर है खाया नहीं गया ठीक से तो नहीं मौत होगी, अथवा वो असली जहर नहीं था। सत्संग से ऐसे से अभी आप लोगों ने सुना, अंगुलमाल डाकू, रत्नाकर डाकू, क्षण मात्र के सत्संग से उसके जीवन परिवर्तन आ गया, अमूल परिवर्तन आ गया। और आपके जीवन परिवर्तन क्यों नहीं होता है? उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हो। तो सज्जनों, अंदर में अगर कुछ मान्यता को बना करके बैठे हो तो लाभ नहीं मिलेगा आपको सत्संग का। एक कहाँ से सुनोगे, दूसरे कहाँ से निकालते जाओगे तो भी लाभ नहीं होगा, और अगर कहीं आपका लक्ष्य दूसरी जगह होगा तो भी लाभ नहीं हो सकता है। ठीक से सत्संग में बैठो, जितना देर तक स्वस्थ चित्त होकर के बैठो और लक्ष्य को एकाग्र करके बैठो और महापुरुषों की वाणी को सुनो और अपने अंदर भर लो। ये बड़ा शुभ अवसर है कि यहाँ पर ये मदनपुर में, तो कहते हैं मुझे बताते हैं कभी आए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है प्रथम बार यहाँ पर आए, आप लोगों से भेंट मुलाकात हुई। लेकिन अब कुछ ले करके जाते हो तो जानो हम लोगों का आना सार्थक हुआ, नहीं तो ठीक है हम लोग सुना दिए बस हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।